हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। बहुत सालों पहले कंपटीशन बहुत कम था, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता था। एक अच्छी सी एजुकेशन आदमी को मिल जाती थी तो एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाया करती थी। टाइम बदल गया है, चीज़ों के मायने बदल गए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आने लगी हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा करियर बन करके उभरा है। इवन कई लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी बैंकिंग जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर एक वेल सिक्योर्ड जॉब के रूप में उभर करके आया है। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू दैट। एंड I am before you with one topic, very common, very important topic, that is work and time. Work and time बहुत common topic है, चाहे वो banking का exam हो, चाहे वो किसी भी कोई railway का exam हो। Normal जितने competitive entrance examinations होते हैं, CAT से लगा करके नीचे से ऊपर तक, सब में work and time एक common topic है जो आता रहता है। बहुत अच्छे से इसके ऊपर grip होना चाहिए, प्रॉपरली इसे समझ लें आप। और इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक से उठाना चाहूँगा, बहुत बेसिक से, सिंपल तरीके से, और आपने स्कूल में जो पढ़ा है वहीं से उठा करके मैं बताऊँगा कि किस तरह से चीज़ों को जल्दी हम मैनेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से मैं अपने काम की, इसकी लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सपोज करिए एक किसी काम को 40 डेज में कर सकता है और बी उस काम को 240 डेज में कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितने टाइम के अंदर करेंगे? याद कीजिए, जब स्कूल में थे तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते थे? स्कूल में हम लोग पूरे वर्क को हमेशा वन अज्यूम कर लिया करते थे, द कंप्लीट वर्क इज वन। तो जो वन डे वर्क है, एज वन डे वर्क, एक दिन का जो काम है वो हमारा होता था, उसका 40th पार्ट यानी 1/40 ऐसा अपन लिखते थे। इसी तरह से बी का जो वन डे वर्क है, एक दिन का वर्क, यदि वो पूरा काम बी 240 डेज में करता है तो एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/240। ए एंड बी बोथ वन डे वर्क, ए और बी का मिलाकर के वन डे वर्क यदि हमको निकालना है तो 1/40 + 1/240 ऐसे ही करते थे हम। उसके बाद हम एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, तो यहां पर एलसीएम 40 और 240 का निकालने की जरूरत नहीं है, 40 का टेबल में 240 आता है, इज दैट क्लियर? तो इसलिए एलसीएम 240 हो जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 4 6 6 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, इज दैट क्लियर? सो माई आंसर इज, आंसर अभी नहीं आया, वन डे वर्क आ जाएगा 6 + 1 7/240, इज दैट क्लियर? ये एक दिन का वर्क है ए और बी का, दिस इज वन डे वर्क। तो इस चीज को अब आप ऐसे समझेंगे, वन डे वर्क इक्वल टू 7/240, इतना समझ आया आपको? अब आप ऐसा सोचो कि 7/240 वर्क है, ये वर्क है, इतना वर्क करने में टाइम कितना लगता है? वन डे। देयरफोर वन वर्क करने में टाइम कितना लगेगा? 1/7/240। देयरफोर वन वर्क, वर्क अपना पूरा वन अज्यूम करा था हमने, तो पूरा वर्क वन करने में टाइम लगेगा 240/7, इज दैट क्लियर? सॉल्व करना चाहे करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा यही कहलाएगा 240/7, इज दैट क्लियर? इस काम को हम लोग यहां पर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करना सिखा रहा हूं मैं आपको, और वो कैसे काम करना वो देखिएगा। एक होता है W जिसको हम बोलते हैं वर्क, एक होता है R जिसका मतलब होता है रेट, यहां पर एक होता है T इसका मतलब होता है टाइम। तो यहां पर आपको एक मेथड में सिखा रहा हूं, WRT, वर्क रेट टाइम। और एक चीज याद रखना, रेट इनटू टाइम इक्वल टू वर्क,
इस चीज को भी समझ लो कि क्यों ऐसा बोलते हैं हम। रेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी 2 पेज टाइप करता है पर डे, 2 पेज पर डे, ये रेट कहलाता है। इस तरह की चीजें रेट कहलाती है। और टाइम, सपोज करिए वो बंदे ने 5 दिन तक काम किया, अब बताओ वर्क कितना हुआ। 2 पेज एक दिन में टाइप करता है, 5 दिन तक काम किया तो कितने पेज टाइप हो जाएंगे? 10 पेज टाइप हो जाएंगे, यस नो? तो ये वर्क हो गया। वर्क कैसे निकाला हमने? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, इसीलिए तो हमने बोला रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये जो WRT मेथड है, इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? चलिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से मैं आपको उठा रहा हूँ, बहुत अच्छे से चीजों को समझते चले जाइएगा। अब यहां पर सबसे पहले RTW ये मेथड कैसे लगाना वो अच्छे से सीख लो, ठीक है? यहां पर A, यहां पर लिखेंगे B। A काम करता है 40 डेज लगाता है, B काम करता है 240 डेज लगाता है, यही थी स्टोरी हमारी। तो जो वर्क होता है ना, वो वर्क आप इन दोनों का LCM लेके लिख दिया करो, और 40 और 240 का LCM होता है 240। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, तो हमें तो रेट निकालना है, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। अब 240 को 40 से डिवाइड करो, 6 आपका रेट आ गया। 240 को 240 से डिवाइड करो, 1 अपना रेट आ गया। तो अब ए और बी का टोटल रेट कितना हो गया? 6 + 1 = 7। वर्क हमेशा फिक्स रहेगा, है ना? रेट इतना है, टाइम इतना है, 6 × 40 आ गया 240। रेट 1 है, टाइम इतना, 1 × 240 आ गया 240। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने को टाइम निकालना है तो वर्क को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? रेट से। तो फाइनल आंसर हो गया 240/7। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो 240/7 या तो लिख दो आंसर को, या और ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो 240 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 × 3 = 21, बचा 3, ऊपर से आया 0, 7 × 4 = 28, बचा 2, तो फाइनल आंसर आया 34 इंटीजर 2/7, यानी 34 डेज और 2/7, और इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मतलब काम पूरा करने में। इज दैट क्लियर? चलिए, थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे आ जानी चाहिए इतनी देर के बाद, तो है ना, कि हाँ कुछ स्टार्टिंग हो गई है, समझ में आने लगा है, है ना? चलिए, एक बार क्या होता है कि एक बैंक के अंदर एक बंदा चेक लेकर के आता है, कैशियर को चेक देता है। कैशियर ने बोला कि बैलेंस नहीं है, तो बंदे को गुस्सा आ जाता है, बैलेंस नहीं है तो बैंक चलाते क्यों हो? कैशियर ने बोला बैलेंस बैंक की नहीं कह रहा हूं मैं, बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है। तो गाइस, थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जाए, है ना, खुशी से पढ़ना है आपको और मेहनत आपको करते जाना है, और जो जिंदगी अभी आपकी चल रही है ना, बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम बिता लीजिए। कोरोना काल आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आया है, है ना? जब आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब में चले जाएंगे, उसके बाद चीजें बदल जाएंगी, हो सकता है आप उतना टाइम नहीं निकाल पाए फैमिली के साथ, है ना? फिर उठो, तैयार हो, भागो। बैंकिंग करियर बहुत अच्छा फिर भी माना जाता है, वेल सिक्योर्ड जॉब है यहाँ पर होते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 34 इंटीजर 2/7 में ये पूरा वर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि इस चैप्टर का नाम मैंने लिखा था वर्क एंड टाइम। मुझे ऑलवेज लगता है सब किताबों में ये लिखा रहता है, ये है ही अधूरा। इसमें एक चीज की और कमी है, वर्क यानी काम है और काम करने के लिए टाइम है, लेकिन काम करेगा कौन? तो मैन पावर भी तो इसमें आ गया, साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए वर्क, मैन एंड टाइम, तब जाकर के ये फुलफिल होगा पूरा। और बगैर मैन पावर के क्वेश्चन बनेगा कैसे? काम करेगा कौन? आदमी ही तो करेगा, है ना? इन तीनों के अंदर अपन एक कनेक्शन भी सीखें। इन तीनों को अपन कंपेयर करते हैं जब आपस में, और किसी एक चीज को अपन कांस्टेंट मानते हैं। सपोज करिए मैंने वर्क को कांस्टेंट मान लिया, जितना काम है वो है, जैसे खाना बनाना एक काम है। मैन पावर और टाइम में क्या कनेक्शन होगा? यदि वर्क फिक्स है तो मैन पावर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, मैन पावर कम होगा
तो टाइम ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है ना। दो लेडीज खाना बनाएंगी तो 1 घंटा लगेगा, और वही काम एक लेडी करेगी तो 2 घंटे लगेंगे। अल्टीमेटली वर्क कितना है, 2 1 2 2 2 आवर्स का वर्क है एक तरह से, 2 1 2 2 मैन आवर्स, ऐसा बोला करो। मैन और आवर्स का मल्टीप्लीकेशन 2 है, मैन आवर्स बोलते हैं इस यूनिट को, मैन आवर्स या वुमेन आवर्स, जैसा आपको बोलना हो, जिससे काम करवाना हो, मैन से वुमेन से, इज दैट क्लियर। तो 2 लेडीज काम करेगी तो 1 घंटा लगाएगी, तो 1 लेडी काम करेगी तो लेडी 1 यानी आधा मैन पावर हो गया, तो यहाँ पे वर्क मेरा, टाइम मेरा डबल हो गया, यानी कि ये मेरा 1/2 टाइम्स हो गया, तो ये मेरा 2 टाइम्स हो गया। यानी इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है मैन पावर और टाइम में, डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। अब नेक्स्ट, अब की बार अपन मैन पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं कि मैन तो जो है वो है, कनेक्शन वर्क और टाइम में क्या होगा, है ना। सपोज करिए घर के अंदर सिर्फ एक ही लेडी है काम करने वाली, तो मैन पावर हमारा फिक्स हो गया बस। अब काम ज्यादा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, काम कम होगा तो टाइम कम लगेगा। लेडी यदि घर में एक ही है और आप उसको बोल दोगे कि 20 जनों का खाना बनाना है, तो वो कम टाइम में कैसे कर पाएगी, उसको टाइम ज्यादा ही लगेगा, काम ज्यादा होगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो वर्क एंड टाइम के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट कनेक्शन होगा वर्क एंड टाइम के अंदर। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं और अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। टाइम फिक्स है, सपोज करिए 1 घंटे का टाइम है। अब काम ज्यादा है तो मैन पावर ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही बात है। काम कम है तो मैन पावर कम लगेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास फिक्स है। जैसे एक शादी है, शादी के अंदर 400 लोगों को खाना खिलाना है ना, और कम लोगों को जब खाना खिलाना होता है, टाइम तो फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि 400 लोगों को तो 40-40 करके 10 दिन तक खाना खिलाते रहेंगे, टाइम तो फिक्स है। उसी 4 घंटे में आपको 400 लोगों को खाना खिलाना है। यदि इतना सारा वर्क है तो ढेर सारे लोग भी लगेंगे काम करने के लिए, लोगों को हेल्प करना होगी, और इस तरह से हमारा काम अच्छे से फिनिश होएगा। यानी काम ज्यादा तो आदमी ज्यादा, और काम कम तो आदमी कम, और काम खत्म तो आदमी खत्म। अरे ये तो वो सोल्जर मूवी की मुझे याद आ गई, जिसमें ये बॉबी देओल ने बोला था कि मेरा उसूल है काम खत्म तो आदमी खत्म। एनीवे, जोक्स अपार्ट, डायरेक्ट रिलेशन होता है वर्क और मैन पावर के अंदर। इज दैट क्लियर। सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसे अच्छे से याद रख लेना। वर्क, मैन पावर, टाइम। मैन पावर और टाइम में कैसा रिलेशन, इनवर्स। वर्क और मैन पावर में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। वर्क और टाइम में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे अपन स्पीड टाइम डिस्टेंस में करते हैं, मैन पावर और टाइम में इनवर्स कनेक्शन होता है, उसी तरह से स्पीड और टाइम में इनवर्स कनेक्शन होता है। स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझते रहिएगा, इन चीजों को अच्छे से याद करते रहिएगा। फिर मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं। एक बंदा है ए, इसको कोई काम करने में 10 दिन लगते हैं, बी बंदे को काम करने में 40 डेज लगते हैं, तो ये दोनों मिल करके काम करें तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन को करना है, आर टी डब्ल्यू। ए बी, ए कितने टाइम में करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 40 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना, 40, 40/4 कितना, 40/10 कितना, 4, 40/40 कितना, 1, मतलब ए का रेट 4, बी का रेट 1, तो दोनों का मिला करके रेट हो जाएगा ए प्लस बी यानी 5, 5 का रेट आ गया तो दिन कितने लगेंगे, 40/5 कितना आ गया, 8 डेज लगेंगे। देखो कितना कंफर्टेबली सॉल्व हो गया, बजाय कि ऐसा करने के कि एक दिन का वर्क 1/10, एक दिन का वर्क 1/40, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। नहीं गाइस, अब आप ऐसे करिए, फटाफट काम हो जाएगा। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो वर्क है ना, इसको मैं डबल करके देखता हूं, मैं 80 कर देता हूं, बाकी सब चीजें वही। ए काम 10 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, है ना। जब वर्क 40 था तो 8 दिन आंसर आया था, तो जब 80 है तो कितना आना चाहिए, 16, ऐसा लोग बोलते हैं, अपन करके देखते हैं।
एटी बाय टेन कितना एट, एटी बाय फोर्टी कितना टू, एट प्लस टू कितना टेन, टेन एटी बाय टेन कितना एट, वही तो आ रहा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कुछ भी अज्यूम करो क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन ऐसे कंफर्ट के लिए एलसीएम ले लेते हैं, आपको जो नंबर लेना हो ले लेना, आंसर तो वही आएगा, बस आपका टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है, दैट हैपन्स, अदरवाइज वर्क तो वर्क है ना, आप कुछ भी अज्यूम करो क्या फर्क पड़ता है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ 40 पेज टाइप करवाना है और 10 दिन में कोई बंदा करता है तो एक दिन में कितने पेज टाइप करता है 4, ये एक दिन में कितना करेगा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो कितना टाइम लगेगा 40 बाई 5, 8 डेज लगेंगे टाइपिंग में, इज दैट क्लियर। यदि 80 पेज है और वही काम 10 दिन में करता था एक दिन में 8 पेज, इधर एक दिन में 2 पेज, तो 8 प्लस 2 एक दिन में 10 पेज, तो वही 8 दिन लगेंगे। सो वर्क इज वर्क, कुछ भी अज्यूम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करो 40 करो 80 करो आंसर वही आना है। अब यहां पर क्वेश्चंस को किस तरह से चेंज कर करके पूछ सकते हैं, दैट आल्सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। ए एक काम को 3 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 6 दिन में कर सकता है, इज दैट क्लियर। दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या, मतलब पहले दिन ए काम करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो कितने दिन लगेंगे। ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट ए कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये बताना जरूरी क्वेश्चन देने वाले को। चलिए फिर से करके देखते हैं, सेम मेथड लगाएंगे अपन ऑलवेज, आर टी डब्ल्यू ट्राई यही करेंगे। ए बी, ए कितने दिन में करता है 3 दिन में, बी कितने दिन में करता है 6 दिन में, तो एलसीएम कितना हुआ 6, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 6 को 6 से करो 1। चलिए अब ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, पहले दिन कौन काम करेगा ए, ए का रेट कितना है 2, कितने दिन 1 दिन, काम कितना हुआ 2, याद रखना। फिर कौन काम करेगा बी, बी का रेट कितना है 1, काम कितने दिन किया 1 दिन ही किया बी ने, एक एक करके कर रहे हैं ए बी ए बी ए बी, तो 1 1 जा, काम कितना हुआ 1, तो टोटल काम कितना हो गया 3, काम करवाना कितना है 6, तो मतलब 6 आ जाए तो रुक जाना करते जाओ। फिर एक काम करेगा, इसका रेट है 2, दिन 1, 2 1 जा 2, कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 5। फिर कौन काम करेगा बी, रेट कितना 1, टाइम कितना 1, 1 1 जा 1, इज दैट क्लियर। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 हो गया ना। चलिए तो कितने दिन लगे, 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा मेरा 4 डेज, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। और जल्दी करना सिखाता हूं चीजों को, और जल्दी करना सीखते हैं। ए और बी, ए ने पहले दिन काम किया, काम कितना हुआ 2, बी ने दूसरे दिन काम किया, काम कितना हुआ 3, तो टोटल वर्क यदि 3 हुआ तो दिन कितने लगे 2, पहले दिन और दूसरा दिन, तो टोटल काम कितना था 6, जस्ट डबल, तो दिन कितने लगेंगे जस्ट डबल 4 दिन लगेंगे, दैट्स इट, इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर में चेंजेस आ सकते हैं। या अच्छा बताओ, यहां पर यदि मैं उल्टा करता, स्टार्ट बी से करता तो फर्क पड़ता क्या, ऐसे आ जाता बी ए बी ए, तो पहले दिन बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो भी 4 ही दिन लगते शायद, क्योंकि यहाँ एक आता यहाँ 2 आता, यहाँ एक आता यहाँ 2 आता, तो अल्टीमेटली दिन तो 4 ही लग रहे हैं। क्या हर बार ऐसा होगा क्या कि स्टार्ट कोई भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम उतने ही दिन में खत्म होगा, क्या हर बार ऐसा होगा क्या? नहीं गाइस, मैं एक और एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको। यस गाइस, तो मैं आपको बता रहा था एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के जिसमें अपन चेक करेंगे फिर से कि क्या वाकई में कोई फर्क कहीं पड़ता है क्या कि कौन काम को पहले स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सपोज करिए ए किसी काम को कर देता है 6 डेज में, बी किसी काम को करता है 8 डेज में, ठीक है, और ये लोग ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो केस में चेक करूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, केस 1 कि काम को ए स्टार्ट करे तो कितना टाइम लगेगा, और काम को बी स्टार्ट करे तो कितना टाइम लगेगा। तो ए स्टार्ट द वर्क है ना, ये वाला केस अपन लेके चल रहे हैं। अब यहां पर फिर से पहले मेथड तो यही लगाएंगे अपन, आर टी डब्ल्यू ए बी, ए को कितने दिन लगते हैं 6 डेज, बी को कितने दिन लगते हैं 8 डेज, तो वर्क कितना अज्यूम कर लेते हैं 24, तो यहाँ 4 आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। पहले दिन कौन काम करेगा ए, काम रेट कितना है 4, डे कितना है 1, काम कितना हुआ 4, अगले दिन काम कौन करेगा बी, 3 1 जा 3, इज दैट क्लियर। तो ये 4 और 3 कितना काम हो गया, 7 काम हो गया यहाँ तक। फिर वापस ए और बी जब आएंगे तो दोबारा अपन सब नहीं लिखेंगे, अब 14 काम हो जाएगा। फिर जब ए और बी दोनों आएंगे तो फिर 21 काम हो जाएगा, इज दैट क्लियर। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 है ना, एक एक दिन आ रहे हैं ऑल्टरनेटिवली,
तो यानी कि 6 दिन में काम हो गया हमारा 21, और काम है कितना 24। अब काम बचा ही कितना, 3 काम बचा है। और काम करने आएगा कौन, अब किसका टर्न है, ए का। तो टाइम कितना लगेगा, 3 तो है आपका वर्क, 3 बाय रेट है आपका 4, तो 3/4 यानी टाइम लगेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 दिन और 3/4 डे और लगेगा, 6 इंटीजर 3/4। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे पहले दिन 4 वर्क हो रहा है, अगले दिन 3 हो रहा है, तो 4 और 3 7, तो 2 दिन में 7 वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क हम लेते हैं 7, तो डेज लग रहे हैं मेरे 2, और वर्क 24 से जस्ट छोटा नंबर ले लो जो 7 का मल्टीपल है, तो वो 21 हो गया। तो यदि मैं इधर 3 जा करूँगा तो ये भी मेरा 3 जा बनेगा, तो 6 डेज में 21 वर्क हो गया। अब वर्क बचा ही कितना, वर्क बचा 3। अब काम करने कौन आएगा, ए, ए बी ए बी ए बी, ऐसे हो गया पूरा 6 दिन तक। इज दैट क्लियर। अब काम करने कौन आएगा, ए, और ए का रेट कितना है, 4, तो वर्क 3 है और रेट 4 है, तो यानी कि 3/4 डे और लगेगा। तो आंसर आ जाएगा 6 इंटीजर 3/4, 6 दिन और 7.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करते हैं। अब की बार स्टार्टिंग किससे करवाएंगे, अपन बी से करवाएंगे। अब आप सोचो कि यदि बी पहले करता और ए बाद में करता, तो 2 दिन में काम तो उतना ही होता, 4 और 3 7, है ना। तो 7 वर्क होने में 2 दिन लगते, तो 21 में 6 दिन तो पक्का हो गया। बस फर्क सिर्फ इतना होता कि बी ए बी ए बी ए, ये 3 चक्कर हो गए, इनके 6 दिन हो गए। अब अगले बार काम करने कौन आएगा, बी, बी का रेट कितना है, 3, और काम बचा भी 3, क्योंकि 21 हो गया था, तो 1 दिन और पूरा लगेगा। तब की बार कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए स्टार्ट्स वर्क, एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, देन टाइम इक्वल टू 6 इंटीजर 3/4 डेज। इज दैट क्लियर। इफ बी स्टार्ट्स वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, देन टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, 7 डेज। तो ये फर्क पड़ता है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब ऑलवेज ये मत समझना कि कोई भी स्टार्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने दोनों तरह के केसेस आपको बता दिए निकाल के। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरह तरह के क्वेश्चन अपन देखते हैं। सपोज करिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, इनको 300 रुपीज रिमुनरेशन मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पैसे को टाइम के रेशो में डिवाइड नहीं करते हैं, किस रेशो में डिवाइड करते हैं, रेट का रेशो। तो टाइम का रेशो कितना हुआ, टाइम का रेशो, इस ए बंदे को कितने दिन लगते हैं, बी बंदे को कितने दिन लगते हैं, इसको 10 दिन लगते हैं, इसको 20 दिन लगते हैं, टाइम का रेशो हो गया 1:2, ये टाइम का रेशो हो गया। तो रेट का रेशो उल्टा होता है, रूल याद रखना, काम तो वही है। तो टाइम का रेशो 1:2, तो रेट का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1, तो 2:1 के रेशो में 300 रुपये को डिवाइड कर लो। 2+1 कितना होता है, 3, जो 3 है वो 300 है, कितना टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तो जो 2 है वो 200 हो जाएगा और जो 1 है वो 100 हो जाएगा। तो ये 200 रुपये ए को मिलेंगे और 100 रुपये बी को मिलेंगे। इज दैट क्लियर। बी को कम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रहा था, इसका मतलब वो स्लो वर्कर है, और जो स्लो वर्कर है उसको काम डेफिनेटली कम होगा उसका, तो पैसा उसको कम मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो जब टाइम दिया हो तो टाइम के रेशो में डिवाइड नहीं होगा पैसा, रेट के रेशो में डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 लोग हैं, ए बी सी डी। ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, ये 20 डेज में कर सकता है, ये 40 डेज में कर सकता है, ये 80 डेज में कर सकता है, ये सब मिल के काम करें तो काम कितने दिन में होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस ही करना है आपको। आर टी डब्ल्यू, ए बी सी डी, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी 20 डेज में, देन 40 डेज, देन 80 डेज। फटाफट एलसीएम बोलो कितना, 80 बाय 10 कितना, 8, यहाँ 4 आ जाएगा, 42 जा 80, 81 जा 80, चारों मिल के काम कर रहे हैं, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का टोटल 8+4 12+2 14+1
15 का रेट आ गया तो टाइम लगेगा 80/15, इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा 80/15, और सिंप्लीफाई कर लो तो 80 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 फाइव जा कितना आ गया 75, बचा कितना 5, तो 5 इंटीजर 5/15, इज दैट क्लियर? या 5 इंटीजर 1/3, यानी कि 5 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इज दैट क्लियर? यदि सब मिलके काम करेंगे तो, यदि कंडीशंस बदलती जाएगी तो चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती चली जाएंगी। और एक वेराइटी देखिए, इसके अंदर एक वैसल है और दो पाइप इसमें पानी भर रहे हैं, इस तरह के सिचुएशंस भी आते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के सिचुएशन है। अब ये वाला वैसल भर रहा है 10 मिनट में पूरा भर देता है, ये वाला वैसल यदि भरता है तो इसको भर देता है, सपोज करिए 30 मिनट में इसको पूरा भर देता है अकेला, तो यदि दोनों वैसल चलेंगे तो कितनी देर में भरेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मिनट में काम करता है, दूसरा 30 मिनट में करता है, दोनों मिलकर करें तो कितनी देर में करेंगे? तो वही फार्मूला RTW, वही मेथड लगाओ, ए बी, ए 10 मिनट में भरता है, बी वाला पाइप 30 मिनट में भरता है, LCM ले लो 30। देखो एक बार स्पीड, एक बार समझने के बाद कितना फास्ट अपन काम कर रहे हैं, 30/10 3, 30/30 कितना 1, दोनों मिल के भरेंगे तो रेट कितना होगा भरने का, 3+1 कितना 4, तो टाइम लगेगा 30/4, 30/4 यानी कि 7.5, इज दैट क्लियर? मिनट, 7.5 मिनट में दोनों मिल के भर देंगे, इज दैट क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपको मिलेगी यहाँ पर। और एक नया वेराइटी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये एक वैसल है, इस वैसल को ये वाला पाइप भरे तो इसको 10 मिनट्स में पूरा भर देता है, और एक पाइप जो इससे पानी जा रहा है खाली करने वाला, ये खाली करता है तो 40 मिनट में पूरा खाली कर देता है, इज दैट क्लियर? अब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो कितने मिनट में पूरा भरेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ये भरने वाला भी भर रहा है, खाली करने वाला भी खाली कर रहा है, तो भरने वाले का रेट ज़्यादा ही होना चाहिए तभी भर पाएगा, नहीं तो कभी नहीं भर पाएगा, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही फार्मूला, वही फॉर्मेट लगाएंगे, RTW, ए बी, एक का टाइम 10 मिनट, बी का टाइम खाली करने का 40 मिनट, LCM दोनों का 40, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, लेकिन याद रखना यहाँ A प्लस बी नहीं आएगा, A माइनस बी आएगा, क्योंकि B खाली कर रहा है और A भर रहा है, A पाइप भर रहा है, B पाइप खाली कर रहा है, तो नेट आ जाएगा 4 भरा, A खाली हुआ, तो नेट कितना हो गया 3, तो टाइम कितना लगेगा 40/3, ये खाली होने में टाइम 13 इंटीजर 1/3, इज दैट क्लियर? इतना टाइम लगेगा इसको भरने में। और एक वेराइटी बताता हूँ, अब की बार यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया है कि ये एक टैंक के दो पाइप इसमें पानी भर रहे हैं और एक पाइप खाली कर रहा है, अब की बार खाली करने वाला एक है, भरने वाला दो है, तो क्या फर्क पड़ता है? फंडा तो वही रहेगा, ये भरता है इसको 5 मिनट में, ये भरता है इसको 20 मिनट में, और ये खाली कर सकता है इसको 40 मिनट में, तो बताओ ये तीनों एक साथ चलेंगे तो कितनी देर में भरेगा? फिर से वही फंडा, RTW, ABC, तीन पाइप पे दो भरने वाले हैं, खाली करने वाला, इसका टाइम है 5 मिनट, इसका टाइम है 20 मिनट, इसका टाइम है 40 मिनट, LCM कितना 40 मिनट, 5 8 जा 40, 22 जा 40, 41 जा 40, यहाँ क्या लिखना चाहिए मेरे को, A प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों करा सी के साथ, क्योंकि दो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तो A प्लस बी माइनस सी यानी कि 8+2-1, 8 और 2 10 में से एक गई तो 9, तो कितना आंसर आया 40/9, ये टाइम हो गया मेरा, तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 4 36, कितना बचा 4, तो 4 इंटीजर 4/9, दैट इज माय आंसर, इज दैट क्लियर? चलिए और बताता हूँ मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। कई बार ये होता है ना कि यार ऐसे तो मैं ये काम 10 दिन में कर देता, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर में थोड़ा सा एक फंक्शन आ गया था, तो मैं थोड़ा बिजी भी रहने लगा था, तो इसलिए मुझे 12 दिन लग गए, इज दैट क्लियर? अपन बोलते हैं ऐसा, ठीक इसी तरह से अपन यहां भी बोल सकते हैं कि ऐसे तो ये पाइप इस टैंक को 10 मिनट्स में भर देता, 9 मिनट्स में भर देता, सॉरी, ऐसे तो ये पाइप 9 मिनट्स में भर देता, पर एक लीकेज इसके साथ साथ चल रहा था, वो भी ओपन था, इसलिए इसको 10 मिनट्स लग गए, इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये 9 मिनट्स में भर देता, मगर ऐसे उसको 10 मिनट्स लग गए, तो बताओ अकेला लीकेज यदि उसको खाली करे तो कितना टाइम लगाएगा, इज दैट क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि एक पाइप है, यदि लीकेज नहीं है तो वो कितनी देर में भरेगा, 9 मिनट में, यही है ना कहना चाह रहा हूं मैं। उसी पाइप के अंदर यदि भरने वाला भी भर रहा है और ये खाली करने वाला भी खाली कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम नेट लग रहा है 10 मिनट्स,
है ना, 10 मिनट ना तो इसके भरने का रेट है ना इसका खाली करने का टाइम है, बस ये दोनों चले तो 10 मिनट लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना वो भी समझ लो। फिर से मैं ले रहा हूँ आर टी डब्ल्यू ए बी देन ए माइनस बी, इज दैट क्लियर। अब देखो ए वाला भरे तो 9 मिनट लगाएगा, बी का मुझे नहीं पता छोड़ दो जगह, अकेला खाली करने वाला ये भरने वाला ए है, खाली करने वाला बी है, इसका मुझे नहीं पता। पर ये दिया है कि यदि दोनों एक साथ चले, यदि लीकेज भी साथ साथ चल रहा है तो 10 मिनट लगेंगे, मतलब यहाँ टाइम 10 आएगा। तो ये जितना टाइम के सामने जितनी नंबर है सबका एलसीएम ले लिया करो, 9 और 10 का एलसीएम कितना 90, 90/9 कितना 10, 90/10 कितना 9। अब ए पता चल गया 10, बी नहीं पता है, ए माइनस बी 9 है, तो बी कितना होना चाहिए, 10 में से क्या जाए कि 9 हो जाए, 1, तो बी हो गया 9, बी का रेट आ गया 1, रेट आ गया 1 वर के 90, तो यहाँ टाइम कितना हो गया 90। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीकेज अकेला खाली करे तो 90 मिनट में खाली करेगा, इज दैट क्लियर। तो ये अपन इस चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन सेम टाइप का, कि एक वैसल के अंदर एक पाइप पानी भरता है तो 40 मिनट में भर देता है, इज दैट क्लियर। लेकिन पाइप भी चल रहा है भरने वाला और एक लीकेज भी चल रहा है, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो उसी चीज को 50 मिनट लग जाते हैं भरने में। तो बताओ लीकेज अकेला खाली करे तो कितनी देर में खाली करेगा, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया पिछली बार के क्वेश्चन तरह से, आर टी डब्ल्यू ये पाइप ये लीकेज दोनों काम करेंगे तो ए माइनस बी, इज दैट क्लियर। चलिए अब ए 40 मिनट में भर देता है, यही बोला था मैंने, लेकिन पाइप और लीकेज दोनों वर्क कर रहे हैं तो 50 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 50 आना चाहिए टाइम में। अब 40 और 50 का एलसीएम कितना ले लें, 200, है ना। कुछ भी मैंने तो बोला, कोई भी नंबर ले लो आंसर आ जाएगा, ठीक है मैंने 200 ले लिया, तो 45 जाते हैं, 5 आ गया रेट, 200/50 तो ये मेरा 4 आ गया रेट, तो यहाँ वर्क मेरा ये 1 हो जाएगा रेट, क्योंकि 5-1 4 होता है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ 200/1 कितना आ गया 200 आ गया, इसका मतलब बी जो लीकेज है उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 200 टाइम लगेगा, इज दैट क्लियर। तो यूजुअली क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे ए एक टैंक को भरता है 10 मिनट में, बी एक टैंक को भर सकता है 40 मिनट में। अब ए और बी दोनों ने भरना स्टार्ट किया 5 मिनट तक, आफ्टर दैट उसके बाद बी को हमने कर दिया क्लोज, अब बचा ए, तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा भरने में। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट मेथड वही रहेगा, फंडा वही रहेगा, आर टी डब्ल्यू ए बी। चलो ए का टाइम कितना 10 मिनट, बी का टाइम कितना 40 मिनट, एलसीएम कितना 40, तो यहां पर क्या आएगा 4, यहां पर कितना आएगा 1। अब सबसे पहले भरना किसने स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने, तो ए प्लस बी का रेट कितना हो गया 5, ए प्लस बी ने कितने मिनट तक भरा 5 मिनट तक भरा, तो कितना काम हो गया 25 भर गया, काम था कितना 40, तो बचा कितना 15, वो यहाँ लिख दो 40 में से 25 गया तो 15। अब इस 15 को करेगा कौन, क्योंकि बी तो अब चला गया, अब बचा कौन ए, तो ए करेगा, ए का रेट कितना था 4, बस ऐसे लिखते जाओ हर चीज को, तो टाइम कितना लगेगा 15/4, इज दैट क्लियर। और पहले कितने दिन हो गए थे, कितना टाइम हो गया था 5 मिनट हो गया था, बचा कितना टाइम इतना, तो टोटल टाइम लगेगा 5+15/4, 4 एलसीएम ले लो, 4, 5 + 20 + 15 यानी कि 35/4, 4, 9 = 36 होता, 9 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, 4, 8 = 32, 8 × 3/4, इज दैट क्लियर, सही जा रहा हूँ। तो ये इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, और कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग या इस तरह का कोई एग्जाम हो तो उसको फोड़ देना है, और वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन तो करना ही करना है, आप जितना बोलो उतने लेवल के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा सकता हूँ, एक लिमिट यहाँ रखना पड़ेगी, क्योंकि हमको कैट और जेट के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप यदि बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हैं या उस लेवल तक का ही करना है, तो बहुत अच्छे से इसको करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देखते चले जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।